इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। इत्तेहाद न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। योम आशुरा के दिन जमात अहलनेस सूरत कर्नाटका के जानिब से ओल्ड एज होम को विजिट किया गया और वहां के तमाम बुजुर्गों को फूड किट तकसीम किया गया। जमात अहलनेस सूरत कर्नाटका हर साल ये काम करती है और इंसानियत के लिए ये काम हमेशा से खिदमत अंजाम देती रही है। आज हम लोग यहाँ पर जमात अहले सुन्नत कर्नाटका शाख जिला धारवाड़ की जानिब से आशुरा के आज इस तारीखी दिन पर इन यहाँ पर जो ओल्ड एज होम में माजूर, बूढ़े, बुजुर्ग, यतीम, लाचार मर्द औरतें कर्नाटका स्टेट के मुख्तलिफ़ इलाकों से यहाँ पर उनकी किफ़ालत हो रही है, यहाँ मौजूद हैं। आज हम उनको खाना देने के लिए, उनसे मुलाकात करके अपनी हमदर्दी जताने के लिए आए हैं, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे पैगंबर ने, बल्कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने जो कुर्बानी करबला के मैदान में दी, उसका मकसद भी यही था कि मज़लूमों की मदद की जाए, कमज़ोरों की मदद की जाए। तो ये मज़लूम और कमज़ोर हैं, तो मज़लूमों और कमज़ोरों की मदद करने के लिए ये डेविड जैसे लोग या इनके मैनेजमेंट के जो लोग हैं, ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनको, इनकी हौसला अफज़ाई करने, इनको इनक्रेज करने के, ये बताने के लिए हम भी आपके साथ खड़े हैं, हम यहाँ पर आए थे। करीम अमाबाद बसमिल्लर। आज योम आशुरा के मौके पर ओल्ड होम जो यतीम, ज़रूरतमंद हजरात, जो बीमार बूढ़े औरत मर्द जो यहाँ पे हॉस्टल में रहते हैं, उनके लिए हम लोग जो है कुछ तोहफे लाए थे, उनके खाना वगैरह लाए थे, उनको उनकी खिदमत करने के लिए। साल में दो मरतबा इस होम ओल्ड आते हैं यहाँ के जो तंजीम है और जो वहाँ के चेयरमैन और जो लोग काम कर रहे हैं, वो काबिल मुबारकबाद हैं कि अल्लाह ताला उनको इस खिदमत के लिए यहाँ चुना गया है। और हम भी शहर हुबली से तमाम उलमा मशाइख और दीगर नौजवान जो बच्चे जो हमारे ताउन कर रहे हैं, उनको लेकर हम हर साल दो मरतबा आते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे जमात अहले सुन्नत को दीन दुनिया रात में तरक्की अता फरमाए और जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि अपने हबीब के सदक़े में, शुहदाए करबला के सदक़े में, इसे और मज़ीद खिदमत करने की हमें तौफीक हो। आमीन सुम्मा। आज जमात अहले सुन्नत कर्नाटका ब्रांच हुबली की जानिब से योम आशुरा के मौके पर हम ओल्ड एज होम में जहाँ गरीब, बेसहारा, मजबूर रहते हैं, उनकी तीमारदारी के लिए, उनके खुर्दोनोश के खाने के इंतज़ाम के लिए और उनके जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं उनके लिए हम आज लेके यहाँ आए हैं, ताकि उनके खुर्दोनोश का एहतमाम हो जाए। और साथ ही साथ आज योम आशुरा के मौके पर जमात अहले सुन्नत कर्नाटका ब्रांच हुबली की जानिब से हमारे एक मरहूम हाफिज़ साहब का इंतकाल हुआ, उनकी बच्चियों की तालीम के लिए 15,000 रुपये हमने हमारी जमात की जानिब से पेश किए हैं। और साथ ही साथ एक बच्चे के आँख का ऑपरेशन था, उसके लिए 20,000 रुपये हमने जमात अहले सुन्नत कर्नाटका ब्रांच हुबली की जानिब से पेश किए हैं। और साथ ही साथ एक बच्चे का विसाल हुआ, तकरीबन 15-20 दिन 25 दिन हो गए, उसकी बेवा खातून है, चार छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके खुर्दोनोश का अहतमाम नहीं था। हम लोग अलहमदिल्ला अपने साथ जितना हो सका हमारे अहबाब सब नौजवान मिलकर ने उनके लिए राशन का अहतमाम किया है और उनके चार छोटे बच्चे हैं। हम ये उन्हें दिलासा दिलाए हैं कि उनकी 10वीं जमात तक की तालीम के लिए जमात की जानिब से जो भी हो सकता है हम इंशाअल्लाह वो करेंगे। और इस तरीके के फलाही काम जमात अहले सुन्नत कर्नाटका ब्रांच हुबली की जानिब से कर रहे हैं। आप तमाम दुआ फरमाएं कि इसी तरह हम दीन का, मिल्लत का काम करते हुए आगे बढ़ें। अस्सलाम वालेकुम। वी ऑन बिहाफ ऑफ जमात अहले सुन्नत कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट धारवाड़, वी ऑल द रिलीजियस हेड्स एंड मौलवीज, इमाम्स एंड आवर ब्रदर्स आर हियर टू first of all thank god that you are really doing a great job, and in this great job we are also with you, because
एज यू रीड इन बाइबल सेम वे रीड इन द कुरान द होली कुरान द बुक ऑफ गॉड दैट those who support the downtrodden, those who support the weaker section, those who support those who are ill, sickly people, Allah will, God will bless them. So, because the Prophet of Islam said, those who show mercy to the people, God shows mercy to them. So, in this way, looking at the teachings of the Prophet of Islam, we are here on this auspicious day of Ashura. The 10th day of the first Islamic calendar, Muharram, the grandson of Prophet of Islam, who laid down his life for the sake of justice and to support justice and to eradicate injustice and to support the weaker sections, we are here. We are very thankful you allow us to meet you people, to see this or the whole human service you are giving. We pray to God and we request you to pray for all of us so that we could unitedly do the same good job. May God bless you. आप दो बार तरफ से हम आज यहाँ जमा हुए हैं हम इस मुबारक काम के लिए आज के इस मुबारक दिन यौम आशूरा के दिन इस यतीम खाने में यतीम खाने में आकर यतीमों गरीबों मदद के लिए और एक अच्छे मैसेज देने के लिए हम यहाँ पर आए हैं मैं आप आए हुए सभी टीम का पूरा सब टीम का जमात इलेक्शन कराने की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ और सबका और सबको मैं मैसेज देना चाहता हूँ जमात इलेक्शन कराने की तरफ से आप भी इस काम में जुड़े रहें और इस काम को हर साल नहीं हर हर जिस मुबारक मौके पर इस काम को अंजाम देते रहें अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जमात अहले सुन्नत की जानिब से हर साल हम लोग आते हैं साल में दो मरतबा आते हैं एक आशूरा के मौके पर एक मिलाद मुस्तफ़ा के मौके पर तो बस इसमें हम नौजवानों को भी जोड़ते हैं और जो हजरात जो सोशल वर्क करते हैं उनको भी जोड़ते हैं और आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि ऐसे कामों में आप जमात अहले सुन्नत का भरपूर साथ दें ताकि जमात अहले सुन्नत और खुलकर काम कर सके तमाम हजरात से गुजारिश है कि जमात अहले सुन्नत जुड़ते रहें और ऐसे कामों में आप भी अपना वक्त अपना कीमती जो है शर में लगाते रहें। अस्सलामु अलैकुम।